स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त मेहुल भानुशाली। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आया हूं ऑटो टिप्स इंक्रीज टायर लाइफ। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में, समझा देता हूं। सालों साल चलेंगे आपकी गाड़ी के टायर, इन चार टिप्स से बच जाएगा हजारों का खर्चा। गाड़ी और सवारी की सुरक्षा के लिए हमें समय समय पर टायर बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो टाइम टू टाइम आप टायर बदल देंगे तो अच्छा पड़ेगा। और आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ, उससे आप अपने टायर की लाइफ बढ़ा सकते हैं। कार टायर केयर, जो कि आप कह सकते हैं कार टायर केयर टिप। टायर आपकी गाड़ी का एक ऐसा अहम हिस्सा होता है, इसका सीधा फर्क आपकी गाड़ी के परफॉर्मेंस पर पड़ता है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो सीधा हमारे ड्राइविंग के परफॉर्मेंस पर पड़ता है। यह टायर ही है जो हमें आपको स्मूथ ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देते हैं, भले ही आप ख़राब सड़कों पर क्यों ना जा रहे हो, चाहे आप ऑफ रोडिंग करो या अच्छी सड़कों पर चला रहे हो। हालांकि कुछ समय बाद आपको अपने टायर बदलने की ज़रूरत महसूस होने लगती है। कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि टायर हमारे घिस जाते हैं और टायर हमारे ख़राब होने लगते हैं, कि हमें पता नहीं चलता, हम ध्यान नहीं देते। तो जिसके चलते आपको और हमें मोटी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। आज हम सब और मैं आपको टिप्स बताऊंगा, तो जिसको आपको फॉलो करना है और आप अपने कार के टायर की लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट है टायर रोटेशन। रोटेशन से आपको टायर की लाइफ बढ़ जाती है। दरअसल लाइव एक्सल वाले टायर, मतलब रियल व्हील ड्राइव गाड़ी के पिछले होते हैं, वो फ्री एक्सल वाले टायर रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों के अगले टायर मुकाबले से ज़्यादा जोर पड़ता है, जिससे ये जल्दी घिसने लगते हैं। और ऐसे में बेहतर होगा कि आप समय समय पर टायर को बदलते रहें, यानी जो तरफ के टायर पहले ख़राब होने लगे उन्हें अच्छे वालों से बदल दें। मतलब मान लीजिए आगे पीछे करवा ले टायर, मतलब जो अच्छे वाले हो वो वाले। बाद में आता है व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट सुनिश्चित करता है कि आपकी गाड़ी के सभी टायर सही जगह पोजिशन। ख़राब रास्तों पर चलने से कई बार कार का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, जिससे किसी एक टायर पर ज़्यादा जोर पड़ लगता है। हम ऑफ रोडिंग करते हैं या कभी टफ इतना चलाते हैं कि कार का हमारा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है दोस्तों, जिससे किसी एक टायर पर ज़्यादा दबाव आने लगता है। इसके अलावा व्हील अलाइनमेंट से गाड़ी के सस्पेंस भी ख़राब हो सकते हैं और सस्पेंस की खराबी का भी पता लग जाता है। इसलिए अपने टायरों और कार के सस्पेंस को सुरक्षित रखने के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और तीसरा, सही टायर प्रेशर। टायर प्रेशर आपकी गाड़ी के माइलेज को भी प्रभावित करता है, वो हमारी जो कार की माइलेज होती है उस पर भी इफ़ेक्ट करता है। आजकल कई गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आने लगे हैं, जो आपको डिस्प्ले पर टायरों के मौजूद प्रेशर दिखाता है। हालांकि अगर आपकी कार थोड़ी पुरानी है तो आपको मैन्युअली इसे समय समय पर चेक कराना होगा। आपको एयर प्रेशर उतना ही रखना चाहिए जितना कि एक कंपनी की तरफ से बताया जाए। आपको यूज़ मैनुअल में या ड्राइवर के दरवाजे पर पड़ सकते हैं। और ये बात करें प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, तो उसे आप अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं, या नज़दीकी कार एसेसरी स्टोर से परचेस कर सकते हैं, और इसे आप डैशबोर्ड पे लगा सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा कि आपकी कार का टायर का प्रेशर कितना है। और फोर्थ, ऐसे टायरों का करें इस्तेमाल। इन दिनों कई लोगों में अपर मार्केट में टायर व्हील लगवाने की काफ़ी चलन है। कई बार हम कार को स्टाइलिश लुक देने के लिए बड़े अलॉय व्हील और टायर लगवा लेते हैं। इस काम के लिए हमेशा टायर विशेष की सलाह लें। इस काम के लिए हमेशा टायर विशेष, मतलब टायर एक्सपर्ट होता है, उनकी सलाह लें दोस्तों। इसके अलावा बेहतर होगा कि आप गाड़ी में जो स्टॉक टायर आते हैं वो इस्तेमाल करें। स्टॉक टायर की साइज़ वाले टायर का ही इस्तेमाल करें, जिससे आपके कार के टायर की लाइफ बनी रहेगी दोस्तों। तो ये जो चार टिप्स थी टायर कार केयर टिप्स। तो दोस्तों, ये भी जानकारी आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।
तब तक के लिए टेक केयर।